चरखी दादरी जिला के बाटरा हलके के गांव जेबली में दर्जनों लोगों ने जजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए आप पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने विधायक नैना चौटाला पर विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया। आप अध्यक्ष राकेश चांदवास ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन करवाते हुए पूरे मान सम्मान देने का आश्वासन दिया। गांव जेबली में रविवार को जजपा कार्यकर्ता राजकरण, बलबीर सिंह, रणधीर, जगदीश, संजय, धर्मवीर सहित दर्जनों कार्यकर्ता ने जजपा पार्टी को अलविदा कर आप पार्टी का दामन थामा। गांव जेबली के अंदर दो दर्जन लोगों ने जजपा पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। गांव जेवली के अंदर हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी बलबीर सिंह के घर पर बलबीर जी, रणधीर जी, राजकरण जी का महिलाओं ने भी आम आदमी आज पार्टी ज्वाइन की है। ममन कौर और सुनीता और आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ही उत्साह है। और जेवली के ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता का भी जेवली के अंदर प्रोग्राम मांगा है और भारी उत्साह है। लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार हरियाणा के अंदर आनी चाहिए और केजरीवाल का सबसे पहला हक हमारा ही हरियाणा का बनता है। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के माता नैना चौटाला है, जिनके उन लोगों ने बड़ी ही कड़ी मेहनत करके उन्होंने मेरे को बताया है कि हमने बड़ी कड़ी मेहनत करके नैना चौटाला को बालडा से विधायक बनाया है और विधायक बनने के बाद बालडा हल्के में कभी भी दिखाई नहीं देती। और तो आज पूरा देश एक आम आदमी पार्टी को विकलक के रूप में देख रहा है। इसी के नाते आज जेवली के दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने जजपा पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था जताई है। चरखी दादरी से प्रदीप शाहू की रिपोर्ट।